भाजपा की साझी उम्मीदवार शीला नफे सिंह राठी को बालौर गांव ने पूरा समर्थन दिया। बालौर गांव के लोगों ने ढोल बजाकर शीला राठी का स्वागत किया। गांव की महिलाओं ने फूल माला पहनाकर शीला नफे राठी को न्याय की इस लड़ाई में पूरा सहयोग देने की बात कही है। इस दौरान नफे सिंह राठी ने बताया कि विधायक रहते हुए बालौर गांव समेत पूरे बहादुरगढ़ में उन्होंने विकास करवाया था, गांव के युवाओं को नौकरियां दिलवाई थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने बहादुरगढ़ को विकास में पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा है कि विकास और न्याय के इस चुनाव में लोगों के सहयोग से जीत जरूर मिलेगी। जनता के बीच जो मैं पहुंची हुई हूं, वो सबसे पहले तो अपराध के, जो अपराध हमारे साथ हुआ है वो किसी और भी माता बहनों के साथ हो सकता है। दूसरा विकास का नारा है, कोई भी विकास अगर कहीं भी मिल रहा है, ये गांव के लोग बता रहे हैं कि 20 साल से जो नफे सिंह राठी ने विकास किया था उसके बाद नहीं कोई सरकारी नौकरी लगी है। इस बालौर गांव की है ये हकीकत, नहीं कोई विकास हुआ है, नहीं कोई नाला बना है, नहीं कोई सफाई कर्मचारी है, नहीं कोई लोगों की सेफ्टी है। और जो मैं इस बालौर गांव में आई हूँ, सभी बालौर गांव की माता और बहनें मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हुई हैं। वो इसलिए चली हुई हैं कि मुझे न्याय नहीं है तो कल न इन माता और बहनों के साथ ये घटना घटेगी तो ये किसके पास जाके खड़ी होगी। किसी का इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक नफे सिंह राठी का ही सारा ऐसा था कि उसके घर रात आओ या दिन आओ, वो अपने लोगों के लिए, अपनी माता और बहनों के लिए हमेशा खड़ा हुआ मिलता था। शीला नफे राठी का प्रचार अभियान हर वर्ग के लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लोगों में भी शीला राठी की सादगी और विकास को लेकर गहरी सोच को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनाव में आखिर बहादुरगढ़ की जनता इस बार किसे अपना विधायक चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।